दिल्ली लोकसभा चुनाव में अब कम ही दिन बचे हैं, ऐसे में सभी उम्मीदवारों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन के चुनाव प्रचार पर तरुण काला की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का ग्रेटर कैलाश इलाका सुबह के 9 बजे कांग्रेस के प्रचार की खनक से गूंज रहा है। कामकाजी वोटरों के बीच संत नगर के रेजिडेंशियल इलाके में अजय माकन वोट मांगने पहुंचे। माकन के प्रचार के दौरान संगठन के लोगों का खूब साथ मिल रहा है। माकन के प्रचार में उनके साथ कदम ताल कर रही हैं ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी शर्मिष्ठा मुखर्जी। अपनी साफ छवि और पिछले कामों के बल पर अजय माकन को चुनाव जीतने का पूरा भरोसा है। माकन के मुताबिक नई दिल्ली इलाके में सीलिंग, जीएसटी, नोटबंदी और सातवें वेतन की खामियां उनके प्रमुख मुद्दे हैं। देखिए मेन यहाँ पे व्यापारियों की सीलिंग के, जीएसटी के, व्यापार बंद, कारोबार बंद, सभी व्यापारी यहाँ पे रहते हैं। और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पिछले 5 सालों में व्यापार का, कारोबार का हाल हुआ है, वही मुद्दे हम लेकर के जा रहे हैं। आज भी सीलिंग की का भय और दहशत व्यापारियों में है। दुख की बात यह है कि हमने जब अपने समय में 170 से ज़्यादा अमेंडमेंट करे, एक हफ्ते के अंदर अंदर हम पार्लियामेंट से कानून हमने पास कराया, हमने 22 इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करे, 3000 सड़कें नोटिफाई करी, उसमें से किसी भी विषय पे एक भी ये लोग और ऐड नहीं कर पाए, तो ये बड़े दुख की बात है कि आज व्यापारियों की कोई सुध लेने वाला। 2014 के चुनावों में आम आदमी पार्टी के कारण अजय माकन बीजेपी उम्मीदवार से हारे थे। अब आम आदमी पार्टी के आशीष खेतान की जगह अजय माकन के सामने ब्रजेश गोयल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ब्रजेश गोयल का फीका प्रचार और मीनाक्षी लेखी के गुस्से को माकन भुनाने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं माकन के लिए केजरीवाल और केंद्र की मोदी सरकार की नाकामियां भी प्रमुख मुद्दा है। अजय माकन के मुताबिक आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय चुनाव के प्रभाव के कारण इस बार उनके सामने चुनौती नहीं है। देखिए ये जो है बीजेपी और केजरीवाल दोनों के दोनों वो मुद्दे उठा रहे हैं जिनका जमीन से कोई लेना देना ही नहीं है। जो जमीन से लेने देने हैं, जमीनी मुद्दे अगर उठाएं तो आज जमीन पे लोग जो हैं त्रस्त हैं, क्योंकि सीलिंग की वजह से, जीएसटी की वजह से, जिस तरीके से सरकार ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज करी है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इन सब मुद्दों को उठा करके ये लोग। माकन 3 बार विधायक और 2 बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। मोदी मैजिक नई दिल्ली सीट पर फीका रहा तो कांग्रेस के खाते में ये सीट आने की संभावना है। नई दिल्ली सीट में मौजूदा करीब 30% से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के वोट बैंक और ट्रेडर्स की भूमिका निर्णायक है। माकन को उम्मीद है कि वेतन आयोग में सुधार और 30 दिन में सीलिंग पर रोक के वादे के बूते पे वो नई दिल्ली सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहेंगे। तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली।